हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि लेजी पे के यूज़ करके आप किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसा तो पहले पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको ये पैसे पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 249 का लेजी पे से रिचार्ज कराया था। वो पैसा मैंने अभी तक पे नहीं किया है। मुझे 18 जुलाई तक डेट दिया गया था कि आप उसके अंदर पे कर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों ने कमेंट करके पूछा कि उस जो पैसे को मैंने पे किया है, उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो लेजी पे का पेमेंट है, वो कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंटेक। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजी पे की तरफ से एक मेल आया है मेरे जीमेल में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरीज था, वो यहाँ पे आप अभी पेंडिंग है, 24 घंटे के अंदर मतलब कि सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि और क्वेरी हैज़ बीन असाइन टू वन ऑफ आवर सपोर्ट टीम, यानी कि मैंने सपोर्ट टीम को एक मैसेज भेजा था कि मुझे ये जो ट्रांजेक्शन मैंने किया है 249 रुपीज़ का रिचार्ज रिलेटेड, वो मुझे कैंसिल करना। तो दोस्तों, अभी आपको कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे आप चले आइए और आपको अपना जो है लेजी पे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको लिखना है लेजी पे सपोर्ट। यहाँ पे लेजी पे सपोर्ट करके आप सर्च कर लीजिए। जैसे ही लेजी पे सपोर्ट करके आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में एक आएगा कॉन्टेक्ट अस लेजी पे, तो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फॉर्म टाइप का खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना फ़ोन एरिया में आपका जो जिस रिलेटेड क्वेरी है, आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरी है या फिर रीपेमेंट रिलेटेड क्वेरी है या फिर केवाईसी रिलेटेड है, आप सिंपली ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली भर लीजिए। चलिए, मैं अभी भर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा कुछ भर लिया है, डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रॉब्लम एरिया। तो दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है कि आपको जो ट्रांजैक्शन रिचार्ज था 249 रुपीज़ का, वो आपको कैंसिल करना है। आप सिंपली लिख दीजिएगा, आई वांट टू कैंसिल माय ट्रांजैक्शन रिचार्ज ऑफ 249 रुपीज़, प्लीज़ कैंसिल दिस रिचार्ज। आप अपने से अलग से अगर कुछ चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, मगर इतना लिख दीजिएगा तो इनफ है। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका एक पॉपअप मैसेज आता है कि वी हैव रेज्ड अ क्वेरी ऑन बिहाफ योर बिहाफ। तो ये टू वर्किंग डेज के अंदर ये क्वेरीज आपका सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इसको डन पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। तो गाइज, बस इतना ही सा करना था आपको। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस में एक मैसेज आएगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक मैसेज आएगा। देखिए, यहाँ पे मेरा आ चुका है, ये रहा। तो अभी मेरा अगेन से एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेज आया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सिंपली ये जैसे मैंने बताया वैसे आप करके आप सबमिट कर दीजिए। आपका 24 आवर्स के अंदर आपका जो पेमेंट किए थे, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।